अगली खबर है जहां नवनियुक्त राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागड़े का शपथ ग्रहण आज होना है और शाम 4 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है। चीफ जस्टिस एम श्रीवास्तव दिलाएंगे पद और गोपनीयता की शपथ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी, डिप्टी सीएम दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा और मंत्री परिषद के सदस्य यहां मौजूद रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, लोकायुक्त पीके लोहरा, महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। शपथ ग्रहण के बाद मीडिया से रूबरू होंगे राज्यपाल और शाम 5:30 बजे होगी राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और मेरे साथ ब्यूरो चीफ शशि मोहन शर्मा जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए, सीधा रुख करेंगे। शशि, वो समय आ गया है जब आज नवनियुक्त राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागड़े का शपथ ग्रहण समारोह होगा। क्या कुछ खास समारोह में रहने वाला है, कौन कौन शामिल होने वाले हैं? देखिए, क्या कुछ की जहां तक बात है तो समारोह बहुत सादा होता है, सभी लोग मौजूद रहेंगे। राज्यपाल आएंगे, उनसे पहले चीफ जस्टिस आएंगे, राज्यपाल के आने के साथ में शपथ ग्रहण होगा और शपथ ग्रहण बहुत सीमित समय का होता है, पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। इसके अलावा इसमें कोई संबोधन नहीं होता है, दस्तखत करते हैं राज्यपाल अपनी ज्वाइनिंग पर और उसके बाद में सबसे रामाशामा होती है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, स्पीकर वासुदेव देवनानी, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे, साथ में मंत्रिपरिषद के अधिकांश सदस्य मौजूद रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को भी आमंत्रण पत्र है, वे भी वहां पर रहेंगे। जो लोकायुक्त हैं पीके लोहरा, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं वो, और कुछ और डिग्निटरीज, अलग अलग वर्गों के, हाईकोर्ट के, समाज के अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले लोग, सेना के प्रतिनिधि, क्योंकि यहाँ जो साउथ वेस्ट कमांड है उसके हेड, ये सब लोग मौजूद रहेंगे। मुख्य सचिव वारंट पढ़ेंगे और ये संक्षिप्त कार्यक्रम होगा। इसके बाद में हाईटी होगी जिसमें मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद और जो गणमान्य लोग आए होंगे जिनके साथ में राज्यपाल चाहे होंगे। फिर शाम को 5:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम प्रस्तावित है। 5:30 का समय इसलिए रखा गया क्योंकि शपथ ग्रहण के बाद हो सकता है थोड़ा समय लग जाए बातचीत में और मेल मिलाप में, अन्यथा इसका समय जो टेंटेटिव शेड्यूल दिया गया है वो तो यही दिया गया है कि शपथ ग्रहण के बाद में ही रूबरू होंगे और राजभवन में तैयारियां चल रही है 2 दिन से और भव्य स्तर की तैयारियां की गई। जैसे अब तक राजभवन में राज्यपाल के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां होती आई है। बारिश का मौसम चल रहा है, सावन चल रहा है, इसलिए बारिश से कार्यक्रम में कोई व्यवधान नहीं है, इसके लिए भी पूरे इंतजाम किए गए हैं। शाम को 4 बजे राज्यपाल को शपथ दिलाई जाएगी और 5:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिल्कुल, और यही उम्मीद जताई जा रही है शशि के इस बार जो नए राज्यपाल नवनियुक्त हुए हैं, नया उनका काम होगा यहाँ पर, हालांकि काफी अनुभवी हैं वो, और उम्मीद सभी यही जता रहे हैं कि उनके आगे कार्यकाल में बहुत सी चीजों में बदलाव होगा। देखिए, बदलाव की अगर बात करें तो बदलाव फोकस हो सकता है आदिवासी क्षेत्रों में काम के लिए जो सरकार की भावना है उस पर, क्योंकि राजभवन में एक विंग बनी हुई है जो आदिवासी क्षेत्रों के लिए कामकाज देखती है और राजस्थान में जो काम हो रहा है आदिवासी क्षेत्रों पर वो महाराष्ट्र मॉडल अपना करके काम किया जा रहा है जी। तो महाराष्ट्र मॉडल अपना करके काम किया जा रहा है तो एक तो किसी मॉडल को देख करके उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको समझ करके, और एक वो व्यक्ति इसको इम्प्लीमेंटेशन या मॉनिटरिंग करे जिसने खुद उस मॉडल को पुष्पित पल्लवित होते हुए देखा है, उस मॉडल का फायदा लोगों तक पहुंच के देखा है। क्योंकि महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, उद्यानिकी वानिकी के मंत्री रहे हैं, खादी के मंत्री रहे हैं, जो मनोनीत राज्यपाल हैं हरिभाऊ किसनराव बागड़े, वो महाराष्ट्र में देख चुके हैं कैसे आदिवासियों को उनकी योजनाओं का फायदा मिला है। अगर कहीं पर लीकेज या खामी है तो वो क्या खामी है उसको भी वो दुरुस्त बेहतर तरीके से कर सकेंगे। ठीक है शशि, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज नवनियुक्त राज्यपाल का शपथ ग्रहण समारोह है और आज 4 बजे शाम राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह रखा गया। तमाम जानकारी आप तक पहुंचाई और फिर उसके बाद 5 बजे बाद मीडिया से रूबरू भी होंगे राज्यपाल।